कौन सा स्टार बनने जा रहा है एक विलेन? किन किरदारों में नजर आएंगे हॉलीवुड स्टार? क्यों राजा मौली को चलानी पड़ी फिल्म पर कैंची? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। ब्लैक सेल्स और वाइकिंग में आयरिश ब्रिटिश एक्टर रे स्टीवेंस खलनायक की भूमिका में डिज्नी की अशोका सीरीज में दिखने वाले हैं। दिसंबर 2020 में घोषित अशोका ने रोसारियो डेविडसन को जेडाई नाइट योद्धा अशोका तानो के रूप में दिखाया। एनिमेटेड क्लोन वॉर सीरीज के एक फैन फेवरेट कैरेक्टर ने द मैंडलोरियन के सीरीज 2 में अपनी लाइव एक्शन की शुरुआत की और वो द बुक ऑफ बोबा फेट के एक एपिसोड में भी दिखे। बता दे, एक्टर स्टीवेंसन ने पहला स्टार वॉर द क्लोन वॉर में मैंडलोरियन कमांडो गार सेक्शन को आवाज दी थी। इस बीच उन्होंने लाइव एक्शन टीवी क्रेडिट में वाइकिंग्स, रीब्रेक, ब्लैक सेल, डेक्स्टर और रोम शामिल है। वहीं कौन है रे स्टीवेंसन और हम ट्रिपल आर की इस वीडियो में नाम क्यों ले रहे हैं और क्यों बता रहे हैं इनका स्टार वॉर्स रिश्ता? तो बता दे कि स्टार वॉर एक्टर जल्द ही साउथ इंडियन प्रीमियम ड्रामा फिल्म ट्रिपल आर में दिखाई देने वाले हैं। इनके साथ ही आयरिश एक्ट्रेस एलिसन डूडी भी फिल्म का हिस्सा है और उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी भी कर ली है। 21 नवंबर को एलिसन ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर फिल्म के सेट से अपने सह कलाकार रे स्टीवेंसन के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी। उनके कैप्शन से साफ है कि वो फिल्म में स्कॉट्स कपल का किरदार निभा रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ट्रिपल आर के सेट पर स्कॉट और लेडी स्कॉट। फोटो में रे स्टीवेंसन और एलिना डूडी स्कॉट्स और लेडी स्क्वेट्स के रूप में तैयार हैं। ट्रिपल आर को तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों अलूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीमा पर रामचरण और जूनियर एनटीआर द्वारा निभाई गई एक काल्पनिक कहानी है। वहीं हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया मॉरिश इंटरनेशनल कास्टिंग में एक और एडिशन है। वो फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्य अभिनेताओं में से एक जूनियर एनटीआर के साथ दिखाई देंगी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और कास्ट अब फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। सिनेमेटोग्राफर के सेंथिल कुमार की सहायक वेदा ने एक वीडियो शेयर की और कहा, हम एक बहुत बड़े फाइट सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं। कुछ समय के लिए रात में शूट किया गया है। जब हम इसे सिनेमा घरों में देखेंगे तो ये एक अलग स्तर पर होगा। ट्रिपल आर का निर्माण डीवीवी दान्या द्वारा 400 करोड़ रुपए से अधिक के विशाल बजट पर किया गया है। फिल्म 25 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वहीं ट्रिपल आर भी बाहुबली और पुष्पा की तरह ही दो भागों में रिलीज करने की बात सामने आई है। लेकिन दो भाग बनाना यानी लंबी शूटिंग खींचना, लेकिन एक्टर्स के बिजी शेड्यूल के चलते दोनों ने ही सेकंड पार्ट पर आपत्ति जताई और इस वजह से फिल्म को अब एक ही पार्ट के तौर पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये करना भी कोई आसान काम नहीं था। राजा मौली को फिल्म पर कैंची चलानी पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल पर छुरिया तो सुना है, ये फिल्म पर कैंची क्या होता है? दरअसल ट्रिपल आर एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसके बनने में काफी समय और मेहनत लगी है और अब पता चला कि फिल्म के कुछ सीन काटे गए हैं जिसमें इंटरनेशनल कास्टिंग के ही सीन्स ज्यादा थे। अब देखना ये है कि क्या ऐसा करने के बाद इंटरनेशनल कास्ट चुप रहेगी? आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाली इंटरेस्टिंग मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को।